आपको भी अपनी बाजुओं से बहुत ज्यादा प्यार है, अपने आर्म से बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत अच्छी लगती हैं जब ये टोंड होती हैं। साथ ही साथ हम जो डेली काम करते हैं उसमें हमारे हाथ बहुत ही हमारी हेल्प करते हैं, तो इनको तो स्ट्रांग रखना जरूरी है, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाना जरूरी है। तो आज की जो एक्सरसाइजेज है वो हम करेंगे अपने आर्म्स को स्ट्रांग करने के लिए, टोन करने के लिए और इनको मजबूत बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहली एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से मैट पे आ जाना है। ध्यान रखिए जो भी एक्सरसाइजेज आप करेंगे उनका सारा इफेक्ट आपके हाथों पर आना चाहिए। तो सबसे पहले अपने हाथों को इस तरीके से रखेंगे, पैरों को इस तरीके से, अपनी कमर को ऊपर की तरफ निकालेंगे एंड यहाँ पे होल्ड रखेंगे, पेट अंदर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। तो इसको आपको 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड करना है। बढ़ते हैं हमारी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने हाथों को इस तरीके से रखना है, पैरों को इस तरीके से रखना है एंड यहाँ पे आपको होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। इसको आपको 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक करना है। कितने राउंड्स करने हैं वो मैं सारी एक्सरसाइज खत्म होने के बाद लास्ट में बताऊंगी। बट हमारी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ जो है अधोमुख शवासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, ठीक है। इस तरीके से आपको होल्ड करना, हाथों को ऐसे रखिए एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। इसको आपको 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक इसको भी आपको होल्ड करना है। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेस है, कहीं पर भी कर सकते हो, डेली कर सकते हो, बॉडी बहुत ज्यादा हैवी है तो भी कर सकते हो, बस प्रैक्टिस चाहिए। अब अपने हाथों को इस तरीके से रखेंगे और धीरे 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 अपने पैरों को आगे लेकर आएंगे एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अर्ध पिंच मयूरासन। इसको आपको 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड करना है। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए आपको अपने हाथों को इस तरीके से रखना है, पैरों को इस तरीके से रखना है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। इसको आपको 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड करना है। अब बारी आती है राउंड्स की, कितने राउंड्स करने हैं। तो सभी को 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक होल्ड करना है और सभी के आपको सिर्फ तीन राउंड कंप्लीट करने हैं। तो आज की जो एक्सरसाइजेस थी वो यहीं तक थी। आप इनको डेली बेसिस पे कीजिए, डेली नहीं कर सकते, वीक में 3 टाइम्स कीजिए और इन एक्सरसाइजेस को करके आप अपने आर्म्स की स्ट्रेंथ को, अपने डेली काम को और इजीली कर सकते हैं। तो चलिए आज का वर्कआउट यहीं तक था, आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको ये वर्कआउट कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वर्कआउट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए उन लोगों को जिनके हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उनकी आर्म्स बहुत ज़्यादा सैगी हो गई हैं, खाल जो है वो लटक गई है, अपने आर्म्स को वो टोन करना चाहते हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी हो, सजेशन हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।